राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के परिणाम पर रोक लगाई गई है। पूरा मामला क्या है बताएंगे आपको। उससे पहले अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। यानी कि 13 लाख अभ्यर्थियों के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि रिजल्ट जनवरी फर्स्ट वीक में आने की संभावना थी, लेकिन कोर्ट ने कहा है कि कांस्टेबल भर्ती परीक्षा जिलेवार नतीजा जारी करने पर हाईकोर्ट ने लगा रोक लगा दी है। जिलेवार के लिए कोर्ट ने राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन को नोटिस जारी कर 20 जनवरी तक जवाब देने को कहा। यानी कि 20 जनवरी तक तो रिजल्ट आने की कोई प्रकार की संभावना नहीं है। जवाब में क्या होता है उसके बाद आगे देखा जाएगा। करीब 13 लाख अभ्यर्थियों के लिए बुरी खबर है। हाईकोर्ट ने राजस्थान पुलिस के 34-38 कांस्टेबल पदों की भर्ती के मामले में लिखित परीक्षा के जिलेवार परिणाम जारी करने पर अंतरिम रोक लगा दी है। वही अदालत ने राज्य सरकार व पुलिस प्रशासन को भी नोटिस जारी कर मामले को 20 जनवरी तक जवाब देने को कहा है। जस्टिस एसपी शर्मा ने कहा है कि अंतरिम निर्देश जाहिर अहमद की याचिका पर दिया गया है। ऐसे में माना जा रहा है कि कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के परिणाम अब इस प्रक्रिया के बाद ही जारी किया जाएगा। इस भर्ती परीक्षा में 17 लाख से अधिक आवेदक आए थे और जिनमें से 13 लाख अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। वकील ने बताया कि राज्य सरकार ने 2019 में पुलिस कांस्टेबल के लिए 5438 पदों की भर्ती निकाली थी। एक ही भर्ती विज्ञापन के लिए अलग अलग आवेदन मांगे गए थे, लेकिन भर्ती की 7, 8 और 9 नंबर को एक समान परीक्षा आयोजित की गई थी। नियमानुसार भर्ती परीक्षा का परिणाम राज्य स्तर पर बनाया जाना चाहिए था, लेकिन अब भर्ती का परिणाम जिलेवार जारी किया जा रहा है। तो ये मैटर जिलेवार का है। अभ्यर्थी कह रहा है कि पूरे राजस्थान का रिजल्ट एक समान आना चाहिए और प्रशासन है जो जिलेवार बनाना चाहता है। आपके क्या विचार है कॉमेंट जरूर करें। तर्क देखिए क्या है, जब पूरे राज्य में एक विज्ञापन से भर्ती हो रही है तो मेरिट जिलेवार क्यों? बिल्कुल सही बात है मेरे अनुसार। तो आप बताइए आपको क्या लगता है। याचिकाकर्ता में तर्क है कि जब सभी जिलों के एक भर्ती विज्ञापन से भर्ती हो रही है तो प्रदेश स्तर पर भी एक ही परिणाम निकालकर एक ही कट ऑफ जारी करनी चाहिए। हर जिले में अलग नतीजे जारी करने से अभ्यर्थियों से भेदभाव होता है। याचिकाकर्ताओं को कहा गया है कि पहले भर्तियों में जो जहाँ 200 में सामान्य वर्ग की कट ऑफ 70 रही थी, वहीं सीकर की कट ऑफ 74 से ज्यादा रही थी, जबकि प्रतापगढ़ जिले की कट ऑफ 50% रही थी। इसके बाद कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए लिखित परीक्षा के जिलेवार परिणाम पर रोक लगा दी है। तो क्या आप संतुष्ट हैं जिलेवार परिणाम को रोक से या असंतुष्ट? अपने विचार कॉमेंट बॉक्स में जरूर कीजिए। इसी प्रकार की नई अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। डिस्क्रिप्शन लिख दिया है, उसको आप विजिट करते रहें, वहाँ पे आपको नई जानकारी मिलती रहेगी। धन्यवाद।